पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आ जाइए कि एक सभा शुक्रवार को सर्किट हाउस में हुई, जिसमें निर्यातक और उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि फायर और लेबर से संबंधित परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, इसका प्रभाव कारोबार पर पड़ रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में CFO मुकेश कुमार और डिप्टी लेबर कमिश्नर वंदना रही। उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं को सुना और उनके संविधान का आश्वासन दिया। इसके साथ ही नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा अग्निशम विभाग में NOC मिलने में होने वाली परेशानियों पर उन्होंने बताया कि सीधे कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं। नियमों से पहले की तुलना में बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि NOC लेने के लिए अब ऑनलाइन प्रणाली अपनाई जा रही है, इसके लिए भुगतान भी ऑनलाइन ही होना है। इसकी प्रक्रिया भी समझाई। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष विनय मंगला, सचिव राजेश भारती, मंडलीय अध्यक्ष महेश अग्रवाल, नेशनल कार्यकारी सचिव ललित कपूर, विनीत गुप्ता, मंडलीय सचिव सुदेश गुप्ता, चेयरमैन हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कमेटी राजेश अग्रवाल, राजेश त्रिपाठी, शैलेंद्र मणिक जैन, दिनेश कपूर आदि मौजूद रहे। सबका हृदय से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं सभी पदाधिकारियों का। जो मुझे जानकारी हुई है कि मुरादाबाद में कई यहां पर एसोसिएशन हैं, जैसे IAIAES और लघु भारती तथा मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन। परिचय नहीं है तो दुर्भाग्य कहूंगा अपना कि आज इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा आपका साथ बहुत जरूरी होता है। जरूरी इसलिए होता है कि हम जब भी कोई उद्योग लगाते हैं, अपने विषय पर ही बात करूंगा, जब भी हम कोई उद्योग लगाना चाहते हैं उसमें हमारी संपत्ति, चाहे हमारे पैतृक संपत्ति हो, जैसा आपने बताया अभी, आपसे पूर्व अधिकारी सब अच्छे ही होते हैं, कार्यशैली डिपेंड करती है किसकी कैसी है। ऐसे भी अधिकारी रहे कि किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में आग लगी तो ना वो खुद पहुंच पाए टाइमली और सब कुछ उसका जो उसकी जीवन भर की कमाई थी वो सब कुछ सुहा हो गई। लेकिन अभी आपके मेरे ख्याल से 3-4 महीने हुए आपको आए हुए, 4 महीने हुए हैं और शायद 3 या 4 बड़े हादसे भी हुए हैं। हम लोग भी पहुंचे हैं वहां पर जब हमारे मेंबर्स की कॉल आई है, चाहे वो हनुमान मूर्ति का रहो या कांट रोड का रहो, 3-4 हादसे भी हुए हैं और बड़े फख्र से कहने में अच्छा लग रहा है कि आपकी टीम और स्वयं आप टाइम से वहाँ मौजूद रहे। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारी समस्या थोड़ी नाकिंग प्रॉब्लम रहती है, कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरह से श्रम की कोई समस्या ही ना हो, ये नॉकिंग प्रॉब्लम है। जैसे सर्दी जुकाम जैसा होता है, बहुत ज्यादा तो नुकसान नहीं होता है लेकिन कुछ ना कुछ कभी कभी बुखार जैसा भी होता है, तो इसीलिए एक ऐसे डिपार्टमेंट की। आज हम अपनी IIA की जनरल मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने चीफ गेस्ट मिस वंदना जी हैं जो डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं, उनको हमने आमंत्रण किया है, और श्री मुकेश कुमार जी हैं जो चीफ फायर ऑफिसर हैं, वो हमारे वो भी ऑनरेबल गेस्ट हैं। हम आज ये जो मीटिंग कर रहे हैं इसके अंदर हम जो नए नए लेबर लॉज आ रहे हैं या जो उद्यमियों की जो दिक्कतें हैं आजकल, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लोग अपने अपने क्वेश्चंस रखेंगे। और जो सरकार की सन 2019 में जो नई नई लेबर के संबंधित जो नई नीतियां आ रही हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी, जो हमारी डिप्टी लेबर कमिश्नर और जो हमारे अधिकारी लेबर ऑफिस के जो लोग आए हुए हैं। लेबर की हमेशा से समस्या रही है, पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोडक्शन के अंदर, तो उसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे मेंबर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, उनको इन बातों से
काफ़ी लाभ पहुंचना चाहिए और अपने बिजनेस को वो सुधार करेंगे। ऐसे ही हम मुकेश कुमार जी जो चीफ फायर ऑफिसर हैं, वो भी हमारे फायर संबंधित काफ़ी समस्याएं रहती हैं फैक्ट्री में, सेफ्टी के बारे में रहती हैं, एनओसी लेने पड़ते हैं हमें, या हमारे जो फायर इक्विपमेंट्स हैं उनको रिन्यूअल कराना पड़ता है नए हर वर्ष या हर 3 महीने 6 महीने के बाद में। कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमें रिफिलिंग करनी पड़ती है, उनके क्या क्या मानक रहने चाहिए उसके बारे में भी वो बताएंगे। और जो हमें फैक्ट्री में जो एनओसी लेने की एक ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक बड़ा अहम मुद्दा हमेशा रहता है एनओसी का, उसके बारे में भी किस तरीके से हम वो एनओसी ले सकें उसके बारे में भी वो बताएंगे। और हमारा मकसद ये है कि जो सरकार की एक नीति है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे अधिकारी लोगों से, जिससे कि हमारे उद्यमी इस बात को समझें और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में उसको वो समझ के और अपने काम को अच्छा करें।